Students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class, we have completed the poem Excuses. In today's class, we will do the question answer and difficult words of this chapter. So let's get started. Difficult words. There are total 5 difficult words. First is hamster. H-A-M-S-T-E-R, hamster. Okay, so what is an hamster? Hamster is a burrowing rodent with a short tail and a large cheek, pouches for carrying food. So rodent is a like a rat. Okay, burrowing means which can dig hole. Pouches means it is just like his mouth, his cheeks. Its cheek is just like a bag which can carry food. Okay, so ek hamster kya hota hai beta? एक बहुत बड़ा चूहा होता है जो मांद खोद सकता है, जैसे खोदते हैं ना चूहे बिल जैसे बनाते हैं, इसकी छोटी सी पूंछ होती है और बड़े बड़े गाल होते हैं जिसमें ये खाना भर के ले जा सकता है। पाउचेस का मतलब जैसे बैग होता है ना, उस टाइप का इसके गाल होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो बहुत सारा खाना ये मुंह में रख के ले जा सकता है, तो ये एक हैमस्टर होता है। सेकेंड इज TORNADOES, tornadoes. What is the meaning of tornadoes? Violently rotating wind. तो tornado का मतलब जो तूफान होता है ना, एक घुमावदार तूफान होता है जो रोटेट करता है, तूफान विंड स्ट्रॉम, उसको क्या कहते हैं? Tornado. Third is ABDUCTED, abducted. Abducted means kidnapped. ठीक है, abducted का मतलब किसी को किडनैप कर लेना। फोर्थ इज एक्सीडेंटली मीन्स बाय चांस, एक्सीडेंटली मीन्स बाय चांस, ठीक है, अचानक से। नाउ द लास्ट वर्ड इज वॉल्केनोस, VOLCANOES, वॉल्केनोस। ओके, वॉल्केनोस मीन्स ज्वालामुखी। ओके, ज्वालामुखी। सो दीज आर द वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। नाउ यू कैन राइट द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द बुक। ओके, इन ऑन ईच पेज देर आर वर्ड मीनिंग्स दैट आर गिवन। वाइल रीडिंग द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एंड दैट टू 2 times. ओके, सो दिस यू कैन राइट फ्रॉम योर बुक। Moving on to question answer of this chapter. First we will do question answer. Okay, or question answers of this chapter part B. Answer the following questions. First, what happened when the poet started his homework? Answer: when the poet started his homework, his pen ran out of ink. So in this you have to tell what happened when he started doing his work. So when he started his doing his homework, then his pen ran out of ink means the ink in his pen, it just get finished. Okay, there is no ink in his pen. तो बेटा जब वो poet है, जो कवि है, वो काम करने homework करने बैठा तो क्या हुआ? जब कवि पोएट काम करने के लिए बैठा तब उसके जो पेन की इंक है वो खत्म हो गई। रन आउट का मतलब खत्म हो जाना। सेकंड, हाउ डिड पोएट्स होमवर्क कॉट फायर? जो ये पोएट है उसके होमवर्क में आग कैसे लग गई? आंसर, एन एरोप्लेन क्रैश्ड इनटू पोएट्स हाउस एंड अ फायर ब्रोक आउट इन दैट हिज homework caught fire. In that his homework caught fire. So I will show you the picture also. Okay, but an aeroplane, he is making an excuse. Okay, so he is saying, poet, he is saying to his teacher that an aeroplane, it just hit, crashed means hit his house. Okay, it just crashed into poet's house and because of that a fire broke out. And in that fire, his homework got fire. Okay?
पूछा गया है कि जो पोएट के होमवर्क में आग कैसे लग गई। वो कहता है, पोएट कहता है कि एक एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया उनके घर पे, ठीक है, पोएट के घर पे एक एरोप्लेन क्रैश हो गया और उसकी वजह से आग लग गई वहां पे, और उसी आग में पोएट का जो होमवर्क है उसमें भी आग लग गई। ठीक है, थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल एट हिज होमवर्क अकॉर्डिंग टू द पोएट। सो यू हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ एनिमल एट द होमवर्क ऑफ द पोएट। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए हैमस्टर एट हिज होमवर्क। सो हैमस्टर, हिज पेट वॉज इज एन हैमस्टर, सो इट एट हिज होमवर्क। तो इसमें बताना है कि पोएट के अकॉर्डिंग किस तरह के जानवर ने उसका होमवर्क खा लिया। तो पोएट के अकॉर्डिंग एक हैमस्टर ने उसका होमवर्क खा लिया। हैमस्टर मैंने अभी बताया क्या होता है ना, एक चूहा होता है जो मोटा सा, ठीक है, जिसकी छोटी सी टेल होती है और बड़ा बड़ा बड़े बड़े चीक्स होते हैं। फोर्थ, व्हाट वॉज ईजियर देन मेकिंग अप एक्सक्यूजेस अकॉर्डिंग टू द टीचर। सो अकॉर्डिंग टू द टीचर, व्हाट वॉज ईजियर देन मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। एंसर, अकॉर्डिंग टू द टीचर डूइंग द वर्क वॉज ईजियर देन मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। सो अकॉर्डिंग टू टीचर इट इज ईजियर टू डू द होमवर्क देन मेकिंग एक्सक्यूजेस। ओके, सो इट इज ईजी टू डू द वर्क देन मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। तो टीचर के हिसाब से जो है एक्सक्यूज बनाने से ज़्यादा ईजियर आसान क्या है, टीचर के हिसाब से जो है अपना जो काम करना वो ज़्यादा आसान है एक्सक्यूज बनाने से। क्योंकि देखो, अगर काम कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो डेली डेली एक्सक्यूज जो है नए नए सोचना पड़ेगा इस वजह से। ठीक है, फिफ्थ, डू यू समटाइम मेक एक्सक्यूज। सो इन दिस यू आर आस्क, डू यू मेक एक्सक्यूज, डू यू समटाइम मेक एक्सक्यूज। सो एंसर इज येस, समटाइम्स आई मेक एक्सक्यूज वेन आई डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क। सो वेन आई डोंट हैव द मूड टू डू द वर्क देन समटाइम आई मेक एक्सक्यूजेस। ओके, सो आपको पूछा गया है कि क्या आप कभी कभी बहाने बनाते हो। तो इसमें लिखा है, हाँ हम भी कभी कभी बहाने बनाते हैं जब हमें कोई भी काम नहीं करना होता। ठीक है, जब मैं नहीं चाहता कि मैं कोई काम करूँ उस टाइम पे मैं बहाने बना देता हूँ। ओके, नाउ दिस पार्ट ए, ओके, इन दिस पार्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, ओनली द मीनिंग्स आर आस्क्ड। ओके, सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द दीज मीनिंग्स इन वर्ड मीनिंग ऑल्सो, सो यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड देन चेक द आंसर फ्रॉम द PDF। ओके, सो फॉर टूडे वी आर ओनली गोइंग टू डू अप टू दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।